अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम मैम। बच्चों और जिनकी प्रेजेंटेशन है वो किधर है, जरा फटाफट आ जाए, जल्दी करें। इकरा मरियम कहाँ पे हैं आप लोग बच्चों? यस मैम, आ रहे हैं। इकरा में स्टार्ट करना है तो जी जल्दी आ वो जाओ। ज्वाइन कर रही है मैम। स्क्रीन शेयर बच्चों आप कर दीजिएगा। अच्छा मैंने सेटिंग कर दी है। अच्छा ओके मैम। टॉपिक क्या है मरियम बच्चों आपका? रियलिटी थेरेपी है मैम। जी जी ठीक, चले चलिए आ जाइए फटाफट। मैम बस इतना कनेक्ट कर रही है। बच्चों जरा जल्दी प्रेजेंट करना है, अच्छा, ताकि कोशिश हो के अगर दो लोगों की भी हो पा रही है तो हम आज कर दें कंप्लीट। ओके आप कहाँ रह गई हैं आप, जल्दी आ जाएं। मरियम चल चलिए, आप ही अपना तब तक स्टार्ट कर दें, जब इकरा आएंगे तब हम इकरा से स्टार्ट करवा देंगे। मैम बस हो गया उसका। बच्चों 5-10 मिनट आओ के ऐसे ही चले गए हैं।
जी इकरा जल्दी करें। जी शाबाश, चलिए एक स्टार्ट करते हैं फटाफट। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी आवाज आ रही है? मैम मेरी आवाज आ रही है? आवाज बहुत कम आ रही है। अब ठीक आ रही है मैम? अब ठीक आ रही है थोड़ी। Today I will present a reality therapy by William Glaser in जिस और ये 1965 के अभी 1965 में डेवलप की गई थी। अस्सलाम वालेकुम क्लास, I am Ibra Tariq 72040. My title agenda is an introduction of reality therapy, its history, reality therapy and joy is the process of reality therapy. First one is reality therapy definition, a form of counseling that views behavior as choices. यानी कि reality therapy के अंदर हम ये नहीं देखते कि हमारे problem क्यों आ रहा है, past, present या future, इन सब चीजों को ignore करता है reality therapy. इसके अंदर choices देखी जाती हैं कि behavior, जो भी हमारा behavior है हमारी अपनी choices से है. Psychological symptoms occur not because of mental illness but due to people irresponsibly choosing behavior to fulfill their needs. ये ग्लेजर ने प्रिवेंट किया था। ग्लेजर ने कहा था कि जो हमारी बिहेवियर्स होती है, मेंटल इलनेसेस जो होती हैं, वो हमारे सिम्टम पे बेस नहीं करते, सिम्टम को डिस्कस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। सिर्फ ये जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारी अपनी चॉइसेस होती हैं। हमारे बिहेवियर्स तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहे होते हैं, हमारी थिंकिंग पे, फीलिंग पे और डूइंग्स पे, एक्शंस पे। तो इन तीनों चीज़ों की बेस पे हम जो चूज करेंगे वही हम आगे से अपना रिस्पॉन्स देंगे और वही हमारे बिहेवियर्स बन जाएंगे। हम अपनी नीड्स को किस तरह से फुलफिल करते हैं, लाइक अगर हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को उसने कहा तो हमारी मेंटल इनर सिम्टम्स की बेस पे नहीं, हमारी चॉइसिस पे है। और हमारी चॉइसिस जो उनकी बेस करते हैं, जो मैं आगे डिस्कस करूँगी कि किस हम कुछ रीजन्स रखते हैं जिसकी वजह से हम लोग ये सिम्टम्स कुछ शो कर रहे होते हैं। तो इस पर उसने अपना सारा कॉन्सेप्ट दिया था। रियलिटी थेरेपी के उसने ग्लेजर ने तीन साइकेट्रिक आर्ट्स बताए थे। फर्स्ट वन इज रियलिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट एंड रॉन्ग। इसलिए उसने कहा था कि थेरेपी गोल इज टू हैव पीपल एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस बिहेवियर्स एंड चूज मोर डिजायरेबल एक्शंस। यानी कि उसको इसने कहा था कि हमें चाहिए जो थ्री आर्ट्स हैं रियलिटी थेरेपी के, हमारा जो बेसिक गोल होता है थेरेपिस्ट का। मैम एक मिनट, मैंने गलत स्लाइड शो कर दी, मैं एक मिनट दोबारा शो करती हूँ। बच्चों आपको पता है इतना टाइम नहीं है। उसने ये थ्री आर्ट्स पे उसको बेस किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट एंड रॉन्ग। इन थ्री आर्ट्स के बेसिस पे हम थेरेपिस्ट को अपना गोल डिसाइड करते हैं। कोई भी डिजायरेबल एक्शन जो उनसे है, हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम अपने बिहेवियर की और चॉइसेस की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो पर्सन खुद से ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम उसने रियलिटी थेरेपी में ग्लेजर में कहा ये था वो चॉइसिस पे बेस करता है। हमें किसी सिम्टम को सही करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पर्सन के बिहेवियर को, उसकी चॉइसिस को रिस्पॉन्सिबल बनाना उस पर्सन को। अगर वो ठीक से चूज कर रहे हैं, ठीक से बिहेव कर रहे हैं तो फिर वो उसके एक्शंस ठीक हो जाएंगे। बच्चों
बच्चों खैर है, कोई भी स्लाइड शो हो रही है ना, आप जल्दी जल्दी इसको प्रेजेंट करें। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट्स मिनट्स हो रहे हैं बस। इसके अंदर से नेक्स्ट हिस्ट्री आ जाती है रियलिटी थेरेपी की। रियलिटी थेरेपी की हिस्ट्री में ये डेवलप की गई थी 1965 के अर्ली में, विलियम ग्लेजर ने इसको डेवलप की थी और साथ में उसके साइकेट्रिक्स थे जो उसके एक्सपर्ट्स के कोई स्लाइड तो शो कर दी ना, कोई भी स्लाइड शो कर दूं बेशक उसे आगे नहीं शो नहीं है। कोई भी शो कर दें, कोई मसला नहीं है, बस आप प्रेजेंट करें। मैं शो कर रही हूँ, मुझे लगा शो हो रही है लेकिन नहीं हो रही। अब शो हो रही है। अच्छा, उसमें ये 1965 में डेवलप की गई थी विलियम ग्लेजर ने और साथ में उसके फॉलोअर्स ने डेवलप की थी और उसने मेंटेन किया था कि पीपल आर नॉट मेंटली इल, दे आर इररिस्पांसिबल अटेम्प्ट टू मीट देयर नीड्स। उसने कुछ नीड्स दी थी और उसने कहा था कि जब वो पर्सन कोई भी नीड को सही से नहीं अटेम्प्ट करता है, तो उसको सही से चूज नहीं करता है किस तरह से उसने अपनी नीड्स को फुलफिल करना है, वो इररिस्पांसिबिलिटी शो करता है। तो वो बिहेवियर्स जो होते हैं उसको मेंटेन इलनेस की तरफ लेके जाते हैं। कोई उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये सब चीज़ें अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस जो क्वालिटी कॉन्सेप्ट इन सब चीज़ों को साइको एनालिसिस को साइको डायनेमिक्स को सबको रिजेक्ट करते ये थ्योरी दी थी। तो उसने कहा था सिर्फ इररिस्पांसिबिलिटी की वजह से इंसान जो है अपनी नीड को मीट नहीं कर पाता और मेंटल इलनेस का शिकार हो जाता है। फिर उसने बाद में ग्लेजर ने ये थेरेपी हॉस्पिटल्स में प्राइजन्स में जेल्स में इनको यूज किया था और अपने इंस्टीट्यूट में बाद में इसको टीच भी किया उसने कई साल तक और आज भी टीच की जाती है। नेक्स्ट इज रियलिटी थेरेपी एंड चॉइस थेरेपी। रियलिटी थेरेपी पहले तो मोस्टली लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं कि रियलिटी थेरेपी और चॉइस थेरेपी बिल्कुल सेम चीजें हैं, लेकिन वो होल्डिंग ने एक वीडियो अपने प्रेजेंट की थी जिसके अंदर उसने क्लैरिफाई किया था कि ये दोनों चीजें डिफरेंट है। फर्स्ट थेरेपी रियलिटी थेरेपी और उसने चॉइस थेरेपी के अंदर सबसे बेसिक डिफरेंस बताया था बहुत ब्रीफ के रियलिटी थेरेपी जो है ये थेरेप्यूटिक मॉडल यूज इन असिस्टिंग टाइम इन मीटिंग देयर नीड्स एंड रिकनेक्टिंग विद द वर्ल्ड। यानी कि सिर्फ उसने रियलिटी थेरेपी इस पे बेस करती है कि उसने किस तरह अपनी नीड्स को मीट करना है और अपनी वर्ल्ड के साथ दोबारा रिकनेक्ट होकर नॉर्मल स्टेज पे आ जाना है। और चॉइस थ्योरी ये सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, दोनों इंटरचेंजेबली यूज की जाती है लेकिन दोनों डिफरेंट है, उसने इसका डिफरेंस क्लियर किया था। अब लेकिन रियलिटी थेरेपी जो सी है इस पे भी चीजें ये बेस कर रही होती हैं। तो उसने चॉइस थ्योरी स्टेट दैट ह्यूमन हैव फाइव reality therapy is based on choices theory which also created by Glaser. जो choice theory है वो भी Glaser ने ही present की थी और reality therapy दोनों हैं तो different, लेकिन reality therapy choice theory पे ही based करी है। choice theory की पांच basic needs हैं। पांच basic needs पे उसने कहा genetic driver needs होती हैं जो हमें genetic instructions देती हैं कि हमें ये हमारी ये नीड्स हैं तो हमें इसको फुलफिल करना है, इसको फुलफिल करना, उन नीड्स को हम किस तरह से फुलफिल करते हैं उस पर बेस करता है कि हमारी मेंटल स्टेट में उसकी और स्टेबल है या नहीं, हम हेल्दी होंगे या लाइफ सेटिस्फेक्शन हमारी किस लेवल की होगी, ये इसी चीज़ पे बेस कर रहा होता है। अब उसकी फाइव नीड्स कौन सी थी? फर्स्ट वन इज सर्वाइवल, लव एंड बिलोंगिंगनेस, पावर, फ्रीडम एंड फन। सर्वाइवल के लिए उसने कहा था कि फूड, वाटर, शेल्टर एंड सेक्सुअल फुलफिलमेंट ये इंसान के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर वो इसको सही तरीके से अटेम्प्ट करेगा इसको मीट करने के लिए तो फिर वो मेंटली इल नहीं है, मेंटली स्टेबल पर्सन है, लाइफ सेटिस्फेक्शन उसकी हाई है, अदरवाइज उसकी ब्लो एवरेज चली जाएगी और मेंटली इलनेस का या मेंटल डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट इज लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस हम अपनी फैमिली के थ्रू, फ्रेंडशिप के थ्रू या कम्युनिटी वगैरह के थ्रू हम इसको गेन करते हैं। और नेक्स्ट नीड हमारी आती है पावर, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। ये चार नीड जो ये तीन बेसिस पे हमारी पावर हम गेन करते हैं। अगर हमें कॉन्फिडेंस है, हमें सेल्फ एस्टीम है तो फिर हम अपनी पावर को गेन कर लेंगे। जिन लोगों की चीज़ें लो रह जाती हैं, जो लोग इन चीज़ों को गेन नहीं कर पाते, अपने इस नीड को फुलफिल नहीं कर पाते, उनको भी मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं,
Next is freedom, independence, as independence, sufficient personal space, autonomy. फ्रीडम के अंदर आ जाती है फनी में आ जाती है सेटिस्फेक्शन प्लेजर एंड एंजॉयमेंट. नेक्स्ट कंटेंट इज पर्सनालिटी थ्योरी एंड चॉइस थ्योरी. पर्सनालिटी थ्योरी में चॉइस थ्योरी का क्या रोल है? क्योंकि हमें ये पता चल गया कि हमारी जो सुपीरियरिटी थ्योरी है वो चॉइस थ्योरी पे ही बेस करी है. तो ग्लेज़र उसने ग्लेज़र ने कोई भी बेसिक काम नहीं किया था, कोई बेसिक सी कंट्रीब्यूशन नहीं थी चॉइस थ्योरी में. लेकिन उसने एक अपनी बुक लिखी थी स्टेशन ऑफ द माइंड, उसके अंदर उसने पावर्स की बेसिक थ्योरी थी चॉइस थ्योरी पावर्स ने डेवलप की थी. तो उसने पावर की थ्योरी को लिया, उसको मजीद एक्सप्लेन किया, उसको एक्सप्लिस्टेट करके उसको मजीद रियलिटी थेरेपी के जो न्यू आइडियाज थे उसको इम्प्लिसिट किया. उसके अंदर उसने बताया कि हमारे कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं, हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं जिसके बेस पे हमारी चॉइसेस चॉइस थ्योरी बेस करी होती है. फर्स्ट इज पिक्चर ऑफ रियलिटी, नीड्स, चॉइसेस, बिहेवियर एंड चॉइसिंग बिहेवियर, चूजिंग बिहेवियर. पिक्चर ऑफ रियलिटी फर्स्ट वन. पिक्चर ऑफ रियलिटी में आया था कि ग्लेज़र परसेप्शन ऑफ रियलिटी रादर देन रियलिटी इटसेल्फ डिटरमाइंड बिहेवियर एक्शन थॉट एंड फीलिंग. उसने कहा था कि हम एक्चुअली रियलिटी को कोई पर्सन नहीं जानता कि रियलिटी है क्या, लेकिन हम सिर्फ जो जानते हैं वो ये कि अगर एक बुक पड़ी हुई है हम उसको परसीव कर रहे हैं कि ये बुक टेबल पर पड़ी है, तो ये हमारी परसेप्शन है, हम रियलिटी को नहीं जानते. और अगर हम किसी पर्सन से कहते हैं ना सपोज के आप किस हद तक इस चीज़ को परसीव अच्छा कर रहे हैं, आप कितने अच्छे से इस चीज़ को गेट वेल हैं, आप इस चीज़ को कितने अच्छे से इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम ये चाह रहे होते हैं जो हम परसीव करें दूसरा पर्सन भी वही चीज़ परसीव करे. यानी हम रियलिटी को बेसिकली जानते नहीं, परसेप्शन की परसेप्शन जो होती है रियलिटी की उसी पे हम बेस कर रहे होते हैं, उसी पे हम बिहेवियर्स कंडक्ट करवाते हैं. लाइक अगर हम थेरेपिस्ट हैं हम लोग उसको क्लाइंट को जो परसीव कर रहे होते हैं हमें रियलिटी नहीं पता एक्चुअल, लेकिन हम सिर्फ जो परसीव कर रहे होते हैं उसके प्रॉब्लम्स को सुन के उसके एक्शंस थॉट और फीलिंग्स उसके अकॉर्डिंग उसको हम डिटरमाइन करना शुरू कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको मोड करते हैं. यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पिक्चर ऑफ रियलिटी एंड जो बेसिक पिक्चर है बेसिक एक्शन थॉट्स और फीलिंग जिसको हम सही से परसीव करें और सही से उस पर एक्ट करके अपने नीड्स को प्रॉपरली फुलफिल करें. नेक्स्ट आई थी नीड्स, वी डिवेल्प एंड स्टोर पिक्चर पीपल ऑब्जेक्ट एंड इवन इन आवर माइंड दैट सेटिस्फाई इन नेट नीड. यानी कि हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें आती है, मुख्तलिफ इवेंट्स हम मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, लेकिन जहाँ पे हमारी हैप्पीनेस की अगर सपोज हम किसी इवेंट हमने अटेंड किया अगर वहाँ पे हमें हैप्पीनेस मिली है ठीक है तो हम उस इवेंट को याद रखते हैं. अगर वो नहीं मिली, अगर हमें उसने कोई डिस्ट्रैक्शन दी है हमारी इननेट नीड या तो सेटिस्फाई हो जाए या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो सिर्फ हमें वो वाले इवेंट्स याद रहते हैं, अदरवाइज हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं. लेकिन जहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं तो वो जो वो वाले इवेंट ज़्यादा हम अच्छे से उनकी पिक्चर्स को स्टोर करते हैं. इस तरह वही लोग हमें याद रहते हैं जो हमारी इननेट नीड्स को थोड़ा सेटिस्फाई करते हैं, और वही लोग वही ऑब्जेक्ट्स वही चीज़ें याद रहती हैं, बाकी सब चीज़ें हमारे माइंड से हमारे सामने से भी गुजर जाती हैं हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारी इंटेंशन और हमारे डिजायर पे चीज़ें बेस करी होती हैं. नेक्स्ट इज चॉइसेस, पीपल डोंट बिकम मिजरेबल और सैड, रादर दे चूज टू बी मिजरेबल और सैड. जो ग्लेज़र था उसने ये वर्ड यूज नहीं किए थे अग्रेशन, डिप्रेशन, इस ये एंग्जाइटी या डिप्रेशन ऐसे मेंटल इलनेस के नहीं यूज़ किए थे वर्ड. उसने कहा था कि पर्सन खुद चूज करता है कि जो भी उसने बनना है. यानी वो कहता था पर्सन इज डिप्रेसिंग, वो ये नहीं कहता था कि इसे डिप्रेशन है, वो ये कहता था कि पर्सन ने चूज़ किया खुद से कि वो डिप्रेस हो, तो फिर वो डिप्रेस, अगर वो चूज ना करता तो कभी भी वो पर्सन डिप्रेस ना होता. इस तरह उसने कहा कि जो भी एंग्जाइटी है ये सब चीज़ें जो उनसे हमारी अपनी चॉइसेस हैं, कोई भी पर्सन को डिप्रेशन होता नहीं, इंसान की अपनी चॉइस है, कोई भी मेंटल इलनेस इंसान की अपनी चॉइस होती है. नेक्स्ट पॉइंट था बिहेवियर, बिहेवियर इज ऑल वी नो अबाउट हाउ टू डू थिंग्स एंड फील. यानी कि थ्री कंपोनेंट जो उनसे इनके बेस करा होता है. फर्दर बिहेवियर के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो वो जो ऑर्गेनाइज बिहेवियर्स होते हैं, सेकेंड वो जो कॉन्स्टेंटली बींग रीऑर्गेनाइज. यानी कि कुछ बिहेवियर्स हमारे ऑर्गेनाइज होते हैं जो हम अनकॉन्शियसली उसको रिपीट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कोई इवेंट ऐसा है जिसको हम देख रहे हैं और उसको परसीव करते हैं कि ये ज़्यादा इंप्रेसिव है, हमें इन चीज़ों को ग्रूम करने की जरूरत है. लाइक अगर ज़रा सा क्लिक करते हैं हमारे माइंड के अंदर तो हम उन बिहेवियर्स को चेंज कर लेते हैं अपने और उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं. दो टाइप्स होती हैं बिहेवियर की,
फर्दर उसने इसी बिहेवियर के बारे में कि फोर कंपोनेंट मेकअप टोटल बिहेवियर जो रियलिटी थेरेपी ने एक्सप्लोर करना जरूरी है. वो फोर कंपोनेंट्स कौन सी हैं जो बिहेवियर पर अप्लाई करोगे? एक एक्टिंग, फीलिंग, एस्थेटिजियोलॉजी एंड थिंकिंग. ग्लेजर एक्चुअली एक इंजीनियर में भी उसने इंजीनियरिंग वगैरह के पास उसने मतलब किया था इंजीनियरिंग और फिजियोलॉजी. इसलिए उसने जितनी अपनी टेक्निक्स बताई थी उसमें सब में उसने एक मेटाफोर्स यूज किए थे जो इंजीनियरिंग वगैरह से रिलेट करते हैं. उसने इतना इस जो चारों कंपोनेंट्स उसने इसको कार के साथ रिलेट करके बताया. तो इसमें उसने कहा कि एक्शन और थिंकिंग हमारे फोर फ्रंट पे चल रहे होते हैं बीएल जिस तरह टाइप के होते हैं. हमारी जो भी हमें एक्टिंग या थिंकिंग करनी है उसके अंदर हमारे जो माइंड के अंदर चीजें चल रही होती है यहाँ पर नजर आओगे बेसिक नीड्स लिखा हुआ है तो वो हमारा बेसिक इंजन होती है. हमारी जो नीड्स होती है वही हमारी एक्शन और हमारी थिंकिंग को रन कर रही होती है. और उसकी बैक पे क्या चीजें चल रही है? फिजियोलॉजी एंड फीलिंग्स. ठीक है, और फिजियोलॉजी और फीलिंग्स अब एक्टिंग एंड थिंकिंग को हमारी सपोर्ट करेंगी. एक्टिंग और थिंकिंग फिजियोलॉजी फीलिंग एंड फिजियोलॉजी को सपोर्ट करेंगी. जिस तरह एक कार के लिए चारों व्हील्स का होना जरूरी है वैसे हमारे बिहेवियर सारे एक साथ फोर्टिवली चल रहे होते हैं, एक साथ साइड बाई साइड चल रहे होते हैं. कोई भी एक चीज दूसरी चीज के बगैर नहीं रन कर रही है. चारों कंपोनेंट हमारे टोटल बिहेवियर को बनाते हैं. टोटल बिहेवियर का नेक्स्ट याद रखना, नेक्स्ट इसका बताऊंगी. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट था चॉइसिंग का, चॉइस थ्योरी का, वो है कि हम चॉइस करते क्यों है. हम कोई भी पर्सन क्यों चॉइस करता है कि चूज करता है कि वो मिजरेबल बिहेवियर शो करे, वो अग्रेसिव या डिप्रेसिव बिहेवियर हो. फर्स्ट वन कि वो चाहते हैं कंट्रोल एंड पावर ओवर अदर्स. वो ये समझता है कि अगर मैं एक एंगर बिहेवियर शो करूंगा मैं पावर और पावर नहीं या कंट्रोल नहीं कर सकता दूसरों को. लेकिन अगर मैं डिप्रेशन या एंग्जाइटी शो करूंगा तो फिर मैं इजीली अपने आप को एक मेंटली इल पर्सन कंसिडर करके मैं किसी से कुछ भी करवा सकता हूँ. यानी कि लाइक अगर हमें कोई बुखार हो जाता है हम घर वालों को ऑर्डर लगा रहे होते हैं कि आप पानी ला दो, खाना ला दो, ये सब कुछ. इस तरह से इनके दूसरों को हम कंट्रोल कर रहे हैं, पावर कर रहे हैं. ये एक जो नीड है वो इसको हासिल करने के लिए एक्चुअली पर्सन अकॉर्डिंग टू ग्लेजर एक्चुअली पर्सन जो है ये मेंटली इलनेस का एक बिहेवियर चूज करता है. अग्रेशन हो या डिप्रेशन हो जो भी है, एंग्जाइटी या डिप्रेशन कुछ भी. नेक्स्ट सेकेंड जो पॉइंट होता है वो होता है इन ऑर्डर टू गेट अदर्स टू हेल्प देम. यानी कि वो अपने आप को मेंटली इल बिहेव करवा के ये सोचते हैं, समझते हैं कि हम दूसरों से हेल्प ले सकते हैं. हम अगर कमजोर होंगे तो फिर दूसरे हमारी हेल्प करेंगे. नेक्स्ट इज टू एक्सक्यूज देयर अनविलिंगनेस टू डू समथिंग मोर इफेक्टिव. यानी कि अगर सपोज हम जिस तरह अगर हमने कोई चीज़ तैयार नहीं की, हम क्या कहते हैं कि हम अगर हमारे पेट में दर्द था मैंने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया. इस तरह से वो ये समझते हैं कि अगर हम लोग अपने मेंटली इल होने का बता देंगे तो फिर उस तरह हम बहुत सारे कामों को इफेक्टिवली परफॉर्म करने से एक एक्सक्यूज दे सकते हैं कि हमने इस वजह से ये काम नहीं किया. नेक्स्ट उनकी फोर्थ चॉइस होती है कि कैन हेल्प इंडिविजुअल गेन पावरफुल कंट्रोल ओवर अदर्स. यानी कि जब हर बंदा आपकी हेल्प भी कर रहा है आप एक्सक्यूज भी कर सकते हैं. यानी कि आप कोई भी चीज़ आपके सर पे नहीं पड़ती कि आप कोई आपको ब्लेम नहीं कर सकता तो फिर हर चीज आप पावरफुली या दूसरे पर्सन को कंट्रोल कर सकते हैं. दूसरे पर्सन से आप कोई भी अपनी मजबूरी का फायदा इनके देके तो फिर आप इनके खुद को एक मजबूर पर्सन शो करवा के तो आप कोई भी काम दूसरे से करवा सकते हो, दूसरे के ऊपर ऑर्डर कर सकते हो. ये तीन थ्योरी दूसरी मैंने पहले बता दी हुई मैम. मेरा लास्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ रियलिटी थेरेपी. रियलिटी थेरेपी का जो प्रोसेस होता है उसमें ग्लेजर ने कहा था कि ग्लेजर कॉन्सेप्ट्स रियलिटी थेरेपी एज अ साइकिल ऑफ काउंसलिंग दैट इज मेड अप ऑफ द काउंसलिंग एनवायरनमेंट एंड स्पेसिफिक प्रोसीजर दैट लाइक टू चेंज इन बिहेवियर. उसने कहा था अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट भी अच्छा रिलेशनशिप मिल जाएगा तो फिर हम एक अच्छा रिलेशनशिप यानी कि एक बिहेवियर को अच्छे से चेंज कर सकते हैं. लाइक ये रैपो बिल्डिंग करना, एम्पथी शो करवाना, गुड लिसनिंग, ये सारी चीज़ें उसने कहा था कि अगर इसलिए सब कुछ होगा तो हम एक अच्छा प्रोसीजर रन कर सकते हैं. वॉबिंग ने ग्लेजर के इसी काम को लिया था और फर्दर उसने अपनी एक डिवेलप की थी, एक मॉडल डिवेलप किया था WDEP. W फॉर था वांट्स, यानी कि क्लाइंट्स वांट्स नीड परसेप्शंस आर एक्सप्लोर. फर्स्ट वन उसने कहा था कि ये चीज़ें एक्सप्लोर होनी चाहिए तो फिर हम फर्दर वर्किंग कर सकते हैं और अपना प्रोसीजर रियलिटी थेरेपी में रन कर सकते हैं. नेक्स्ट उसने डी और ई
डी और ई स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग एंड डूइंग एंड इवैल्यूएशन. इन दोनों में अगर क्लाइंट की टोटल बिहेवियर, टोटल बिहेवियर आपको पीछे बताए थे, वो सारे बिहेवियर अगर जो चार बिहेवियर थे, एक्टिंग और थिंकिंग, फीलिंग और बिहेविंग, इमोशंस, ये सारे जो उनसे बिहेवियर एंड टोटल बिहेवियर बनाते हैं, इन सबको अगर एक्सप्लोर कर लिया जाए क्लाइंट के, तो उसने कहा था कि हम लोग डायरेक्टिंग, डायरेक्शन, डूइंग और इवैल्यूएशन के स्टेप्स को अच्छे से कर सकते हैं. नेक्स्ट उसने प्लानिंग कहा था, उसने कहा था कि जब हमने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, सब कुछ जान लिया, तो हम एक प्रॉपर प्लानिंग करें. तो इन शॉर्ट हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट इन्वॉल्वमेंट, एक्सप्लोरिंग टोटल बिहेवियर, इवैल्यूएटिंग बिहेवियर, मेकिंग प्लान्स टू डू बेटर एंड कमिटमेंट टू प्लान, इन सब के थ्रू प्रोसेस प्रोसीजर रियलिटी थेरेपी का एक प्रॉपर वे में रन करता है. अ क्लाइंट इन थेरेपी विल लाइफली बी इनकरेज टू डू. अब इसमें चार चीज, पांच चीजें हैं जो हम इनकरेज करते हैं, तो उसे रियलिटी थेरेपी एक अच्छे वे में हम उसको रियलिटी थेरेपी के आउटकम्स को गेन कर सकते हैं. फर्स्ट इज फोकस ऑन द प्रेजेंट, नॉट द पास्ट. उसने कहा था अपने पास्ट पर या अनकॉन्शियस पे टाइम जाया ना करें, उसको डिस्कस करके प्रेजेंट को देखें. आपकी गलती है ना कि आपने 15 मिनट शुरू में सारे वेस्ट किए हैं. जल्दी करें अब. अब क्या हो गया बच्चों? BSF 8th कहाँ चले गए हैं? जल्दी करें. बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम आ रही है. तो ये बाकी सब कहाँ चले गए जो प्रेजेंट कर रहे थे? मैम पता नहीं, उनकी लाइट ही ना ऑफ हो गई. इस लाइट के चक्कर में तो कह रहे थे उन्हें जल्दी करें. यस मैम. यस मैम. मरियम चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, फटाफट जल्दी करें. ओके मैम. मरियम आप स्टार्ट कर दे, बाद में स्लाइड शो कर दीजिएगा, साथ साथ शो कर दीजिएगा. स्टार्ट तो करें. बच्चों मैंने आपको, मैंने आपके ये वाला सेशन एंड करने के बाद दोबारा सेशन स्टार्ट नहीं करवाना, क्योंकि इसके फौरन बाद मेरी क्लास है. मैम हमारा लैपटॉप से डिस्कनेक्ट हो गया था, अब वो उसने दोबारा रिकनेक्ट किया है. मरियम जल्दी करो स्टार्ट करना है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है. मैम मैं स्टार्ट कर दूं? ये करो जल्दी करें, और क्या आपने पहले ही 15 मिनट वेस्ट कर दिए हैं. बाद में स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए कभी, बस स्टार्ट करें, जल्दी करें. इकरा इसको ऑन करें, मरियम को आने दें, खत्म करें. ठीक है मैम. इसमें नेक्स्ट आया था अवॉइड करना क्रिटिसिज्म. अच्छा चलिए मरियम अपनी स्लाइड शेयर करें, जल्दी करें. बल्कि स्टार्ट कर दें, बेशक बाद में शेयर कर दीजिएगा, और स्लाइड्स मुझे बच्चों याद से मेल कर दीजिए, ताकि मुझे पता तो चले मैंने किसको क्या नंबर देने हैं. जी मरियम. बच्चों आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, ये आप पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब सारी मरियम आपकी आवाज नहीं आ रही. The topic that I am going to present is the assessment, their reality therapist goal, therapist attitude, reality therapist strategies, उसके criticism and limitations. सबसे पहले उसके goals आप देखते हैं, goals में जो उनसे हैं, वो जो reality therapist. मरियम थोड़ा ऊंचा बोलें. क
क्लाइंट की लिविंग को इनहेंस करने के लिए यूज की जाती है, उसकी रिलेशनशिप जो होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए यूज की जाती है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने के लिए यूज की जाती है और बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज की जाती है. नेक्स्ट उसकी आ जाती है असेसमेंट. असेसमेंट में ग्लेजर जो है वो असेसमेंट के लिए प्रोजेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स यूज नहीं करता था, और वो जो उसने 3 इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे असेसमेंट के लिए, वो उन 3 इंस्ट्रूमेंट का नाम ये है कि द बेसिक नीड सेल्फ असेसमेंट, द कॉन्टेक्चुअल नीड असेसमेंट, द स्टूडेंट नीड सर्वे. ये 3 उसने असेसमेंट मेथड यूज किए थे. ये इन क्वेश्चनेयर के जरिए जो रियलिटी थेरेपी में लोगों के जो नीड्स को असेस करता था, और जो इनफॉर्मल और रिपोर्ट फॉर्म ग्लेजर यूज करता था क्लाइंट की नीड वांट और क्लाइंट पिक्चर टोटल बिहेवियर और चॉइस को असेस करने के लिए. नेक्स्ट उसमें असेसमेंट में वो सबसे पहले ग्लेजर जो गोल इस्टेब्लिश करता था, देन उसको फिर वो मोटिवेट करता था थेरेपी को, यानी कि जो गोल्स जब प्लान कर लिए तो फिर उसके ऊपर थेरेपी उसके उन गोल्स को उन गोल्स के ऊपर वर्क स्टार्ट कर देता था. और उसमें उसने काउंसलर जो होता है वो क्लाइंट की 3 नीड्स को असेस करता है, बिलोंगिंगनेस को, पावर को और फ्रीडम को. और रियलिटी थेरेपी जो होते हैं वो क्लाइंट के टोटल बिहेवियर को असेस कर रहे होते हैं, सबसे पहले अपनी जो वो असेसमेंट में रिपोर्ट फॉर्म यूज करते हैं बिहेवियर्स को असेस करने के लिए, और देन फिर उसके उसमें जो है वो क्लाइंट की फीलिंग्स, इमोशनल और थॉट्स और जो भी इंसान कर रहा होता है वो उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं. नेक्स्ट आया था थेरेपिस्ट एटीट्यूड. थेरेपिस्ट एटीट्यूड में जो है क्लाइंट थेरेपिस्ट होता है वो 3 चीज़ों को इवेल्यूएट करता है, 3 चीज़ों के ऊपर वर्क करता है कि पहले सबसे पहले वो टोटल बिहेवियर को एक्सप्लोर करता है, फिर इवेल्यूएट करता है उसके बिहेवियर को, देन उसके ऊपर उसका वैल्यूएट करने के बाद वो एक प्लान बनाता है और देन उस प्लान के ऊपर वर्क स्टार्ट कर देता है. नेक्स्ट आए थे उसके जो एटीट्यूड टेकन बाय थेरेपिस्ट, किस तरह के थेरेपिस्ट का एटीट्यूड होना चाहिए क्लाइंट की तरफ रियलिटी थेरेपी करते वक्त. तो उसमें सबसे पहले ये आता है डोंट एक्सेप्ट एक्सक्यूजेस में ये होता है कि अगर मींस के अगर हम क्लाइंट हमें कोई बात बता रहा है तो हम लोगों ने उसमें वाई नहीं पूछना होता, जो अगर यानी कि इस तरह की कोई बात है हम लोगों ने उससे ये नहीं पूछना कि ये क्यों है, हम लोगों ने उस चीज़ को इग्नोर कर देना है और उसमें अपना जो क्लाइंट के ऊपर कॉन्फिडेंस शो करवाना है, उसको कॉन्फिडेंस देना है कि वो अपने जो फ्यूचर में जो चेंजेस है वो ला सकता है. और हम लोगों ने पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म नहीं करना होता क्लाइंट को, मीन्स कि अगर क्लाइंट को हम लोगों ने कोई टास्क दी है और उसने वो पूरी नहीं की या उसने कह दिया कि मैं किसी वजह से लेट हो गया, तो हम लोगों ने उसको क्रिटिसाइज नहीं करना बल्कि उसको एक अल्टरनेटिव और उसको कहना है कोई बात नहीं आप दोबारा नेक्स्ट उसको नेक्स्ट डे पे कर लेना है. डू नॉट गिव अप मीन थेरेपिस्ट अक्सर जिस तरह जो ड्रग अब्यूज वाले केसेज होते हैं और जो न्यूली थेरेपिस्ट बने होते हैं वो लोग जब ड्रग अब्यूज के केसेस आ जाते हैं वो मोस्टली जो हैं वो थोड़े 1-2 सेशन करने के बाद वो उससे यानी कि थक जाते हैं, वो उनसे वो केस हैंडल नहीं हो रहा होता, तो उस वक्त वो गिवअप कर देते हैं, गिवअप करने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो इसमें उन्होंने बताया कि थेरेपिस्ट को गिव मेरी आवाज चली गई. स्ट्रेटजीज कहाँ गई जो आपने स्ट्रेटजीज बतानी थी? अच्छा मैम ये थेरेपिस्ट के एटीट्यूड्स उसके बाद आ गया स्ट्रेटजीज आ जाते हैं. तो जो सा रियलिटी थेरेपी जो होता है वो एक नई फोकस साइकोथेरेपी सिस्टम यूज नहीं करते हैं. ग्लेजर जो है वो ट्रांसक्रिप्ट टेप रिकॉर्डिंग ऑब्जर्विंग सीरीज ऑफ सेशंस, ये चीज वो कहता है कि ये एक वन साइड मिरर है किसी भी क्लाइंट के बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए. और जो रियलिटी थेरेपी में वो ग्लेजर कहता है कि हाँ जो थेरेपिस्ट होता है वो ज्यादा साइकोथेरेपी टेक्निक जो होते हैं वो ज्यादा यूज कर रहा होता है रेदर देन द अदर्स थेरेपीज. नेक्स्ट आया था कॉमनली यूज जो स्ट्रेटजीज हैं, सबसे पहले आता है क्वेश्चनिंग होता है. क्वेश्चनिंग में जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है क्लाइंट के बिहेवियर को एक्सप्लोर करने के लिए और इवैल्यूएटिंग व्हाट पीपल आर डूइंग एंड मेकिंग स्पेसिफिक प्लान्स. यानी कि हम लोग इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चनिंग करेंगे तो ही हम लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन होगी, देन हम लोगों को उसके ऊपर वर्क स्टार्ट कर देंगे. क्वेश्चंस हेल्प द रियलिटी थेरेपिस्ट टू अंडरस्टैंड द इनर वर्ल्ड, द वांट्स, नीड्स एंड द परसेप्शन ऑफ द क्लाइंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन
Woodring ने सजेस्ट किया था क्वेश्चंस बी यूजफुल टू रियलिटी थेरेपिस्ट इन फोर वे. सबसे पहले टू एंटर द इनर वर्ल्ड ऑफ द क्लाइंट, यानी कि हम लोग जितना जितना एक्सप्लोर करते हैं इसकी उर्दू ना करें, इसको आगे नेक्स्ट स्टेप बताएं. ओके मैम, तो इन लोगों ने खुद ही समझ लेना. टू हेल्प क्लाइंट टू टेक मोर इफेक्टिव कंट्रोल. नेक्स्ट जो सेकंड उसकी स्ट्रेटजीज है बीइंग पॉजिटिव, के फोकस का हम लोगों ने जो क्लाइंट करा है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और उसको पॉजिटिव एक्शन की तरफ उसको रीइंफोर्स करना है, कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग करनी है और पॉजिटिव स्टेटमेंट हम लोगों ने उसके साथ यूज करनी है. मेटाफोर्स में होता है कि क्या हम लोगों ने क्लाइंट की जो सी लैंग्वेज है उसी में हम लोगों ने उसे कम्युनिकेट करना है और इससे वो जो इजिली है ना अपने हमारी बात को भी समझ लेगा और अपनी भी अच्छी तरीके से समझा सकेगा. नेक्स्ट है कन्फर्टेशन. कन्फर्टेशन में ये आ जाता है जो जिन थेरेपी जो है वो क्रिटिसाइज और आर्ग्यूमेंट नहीं करता बल्कि वो टोटल बिहेवियर का जो है वो एक्सप्लोर करता है. मीन्स कि अगर एक क्लाइंट का बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसने कोई क्रिमिनल बिहेवियर शो किया है, तो हम लोगों ने उसको क्रिटिसाइज नहीं करना बल्कि उसके उसकी रीजन देख के उसके ऊपर वर्क स्टार्ट कर देना है. और नेक्स्ट है ह्यूमर. ह्यूमर जो है जो फ्रेंडली फ्रेंडली इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो क्लाइंट हेल्प करती है मीट द क्लाइंट नीड फॉर बिलोंगिंगनेस. दिस कैन टेक अ प्रेशर ऑफ क्लाइंट डिसअपॉइंटमेंट. मीन्स कि अगर हम लोग उसके साथ एक फ्रेंडली वे में अगर थेरेपी करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमसे अपनी जो से प्रॉब्लम्स है वो शेयर करेगा और वो जो सा है वो अपने एक जो सा क्लाइंट के ऊपर स्ट्रेस हो रहा होता है वो भी खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट है पैराडॉक्सिक टेक्निक्स. पैराडॉक्सिक टेक्निक में होता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी इंस्ट्रक्शन देता है क्लाइंट को जो थेरेपिस्ट. सबसे उसमें दो फॉर्म्स हैं पैराडॉक्सिक टेक्निक्स की. उसमें सब पहले आता है रिफ्रेमिंग जो उनसे जो हेल्प करती है इंडिविजुअल चेंज ऑफ वेयर थिंक दे थिंक अबाउट अ टॉपिक. और पैराडॉक्सिकल प्रिस्क्रिप्शन में आता है कि इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू चूज द सिम्टम. नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस. जोन सा उसकी रियलिटी थेरेपी पे जो उनका क्रिटिसिज्म हुआ था वो ये थे कि बच्चों आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, स्लाइड्स भी बहुत अच्छी थी, मेल कर दीजिएगा. बस प्लीज टाइम वेस्ट मत किया करें क्योंकि टाइम होता भी नहीं है इतना ज्यादा. लेकिन इसके चले मैं नंबर नहीं काटूंगी आपके क्योंकि आपने प्रेजेंट अच्छा किया. अब नेक्स्ट को मैं कह रही हूँ जो भी है नेक्स्ट टाइम प्लीज बच्चों बी रेडी ऑन टाइम. अब यहाँ पे आपकी क्लास जो है वो खत्म भी होने लगी. ओपोजिशन की थी और पोटेंशियल टू इम्पोज व्यू था. एंटी मेडिकल मेडिकेशंस थी और डिसकॉन्शियस यानी अनकॉन्शियस को उसने फोकस में नहीं रखा था. थैंक यू क्लास. थैंक यू ग्रैंड मरियम.